पैरालिसिस हो जाने के बाद रिकवरी की स्टेज पर जब पेशेंट होते हैं तो पेशेंट जब खड़ा होना शुरू करते हैं और उसके बाद जब चलना शुरू करते हैं तो उनको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, एंकल ट्विस्टिंग, मींस उनके टखने का बार बार मुड़ जाना। और इसमें एक और भी प्रॉब्लम होती है कि पेशेंट का फुट ड्रॉप हो जाना, मींस पेशेंट का पंजा ऊपर की तरफ ना उठना। फ्रेंड्स, मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हेमलता, नमस्कार, जून फिजियोथेरेपी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एंकल जॉइंट की कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। सबसे पहले हमने टाइटनेस को दूर करने के लिए कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है, जो कि हमें एक्सरसाइजेस से पहले डेली करनी होंगी। उसके साइड बाय साइड हमने स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कराना है, और स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है हमेशा एक्टिव एक्सरसाइजेस से और रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस से। एंकल जॉइंट की चार मेन मूवमेंट्स हैं। एक है डोर्सीफ्लेक्शन। डोर्सीफ्लेक्शन मींस पंजे का ऊपर की तरफ उठना, अंदर की तरफ आना। एक है प्लांटर। प्लांटर मींस जो नीचे का तलवे वाला हिस्सा होता है उसकी तरफ पैर का मुड़ना। पैरालाइज्ड पेशेंट की जो ऊपर वाली मसल्स होती हैं ये वीक होती हैं, फुट ड्रॉप होने लगता है, मींस पंजा नीचे की तरफ गिरने लगता है। जो इन मसल्स को हमने ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, मींस जो डोर्सीफ्लेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने वाली एक्सरसाइजेस हैं वो पैरालाइज्ड पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा करनी है, और ये प्लांटर फ्लेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने वाली एक्सरसाइजेस को पैरालाइज्ड पेशेंट ने अवॉइड करना है। तीसरी जो मूवमेंट है वो है इन्वर्जन। इन्वर्जन मींस पंजे का अंदर की तरफ घूमना। नेक्स्ट मूवमेंट है, जो फोर्थ मूवमेंट है वो है इवर्जन। इवर्जन मींस एंकल का बाहर की तरफ मोड़ना। पैरालाइज्ड पेशेंट का इस तरह से पंजा अंदर की तरफ ट्विस्ट हो जाता है तो उसका एक मेन कारण है कि इवर्जन को कंट्रोल करने वाली जो मसल्स हैं वो वीक पड़ जाती हैं, और जो इनवर्जन को कंट्रोल करने वाली मसल्स हैं वो टाइट हो जाती हैं। इसलिए पैरालाइज्ड पेशेंट का एंकल जॉइंट इस तरह से बार बार ट्विस्ट करने लग जाता है। इसलिए पैरालाइज्ड पेशेंट को स्पेशली इवर्जन को स्ट्रॉन्ग करने वाली एक्सरसाइजेस पे जोर देना है और इनवर्जन को स्ट्रॉन्ग करने वाली एक्सरसाइजेस को अवॉइड करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं एंकल जॉइंट की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, जो कि आप बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं या फ्लोर पर बैठकर अपने थेराबैंड के साथ कर सकते हैं। थेराबैंड के बारे में भी मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में बताया हुआ है कि थेराबैंड क्या होता है और आप उसके साथ किस तरह से एक्सरसाइजेस करके अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैंने पहले भी पैरालाइज्ड पेशेंट के लिए एंकल जॉइंट की एक्सरसाइजेस पे ये वीडियो बनाई हुई है। पैरालाइज्ड पेशेंट की इवर्जन को कंट्रोल करने वाली जो मसल्स हैं वो वीक पड़ जाती हैं, और जो इनवर्जन को कंट्रोल करने वाली मसल्स हैं वो टाइट हो जाती हैं। यही कारण है कि पेशेंट का एंकल जॉइंट अंदर की तरफ ट्विस्ट होने लगता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनवर्जन मसल्स को स्ट्रेच करेंगे और इवर्जन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इवर्जन एंकल एक्सरसाइजेस। इस एक्सरसाइज के लिए हम एक मीडियम रेजिस्टेंस का ब्लू कलर का थेराबैंड यूज करेंगे। थेराबैंड के एक एज पे इस तरह से एक लूप बना लेना है, उसको हम पंजे के अंदर एडजस्ट करेंगे। अगर पैरालाइज्ड पेशेंट को हाइपर एक्सटेंशन की प्रॉब्लम है, मींस इस तरह से उनका घुटना नीचे की तरफ जाता है, तो हाइपर एक्सटेंशन को अवॉइड करने के लिए इस तरह से कोई टॉवल का रोल बना सकते हैं आप। अगर आप घर पे भी इसको बना सकते हैं तो ये मेरे पास होममेड रोल है इस तरह से, तो इसको नी के नीचे रखिए। दूसरे पैर को आपकी इच्छा है कि आप इस तरह से मोड़कर भी रख सकते हैं या फिर उसके दूसरे साइड में ऐसे फैलाकर भी रख सकते हैं। एंकल की हाइट को रेज करने के लिए इस तरह से दूसरा क्वेश्चन हील के नीचे रखेंगे, और अगर आपका हाइपर एक्सटेंशन ही है तो जरूरी नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को यूज करें। सबसे पहले तो आप अपने जो हेल्दी साइड है उस पैर में इस तरह से बांध लें इसको, और बांधने के बाद आप इस तरह से
इसको बाहर की तरफ लेकर आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन गो टू नॉर्मल पोजिशन मीन्स न्यूट्रल, जहां से आपने स्टार्ट किया था वहीं जाइए। होल्ड फॉर 1 to 2 seconds एंड रिपीट अगेन। इसी तरह से आपने इन मूवमेंट्स को भी इनिशियली 10 times रिपीट करना है। जब आप 2-4 दिन बाद करना अच्छे से शुरू कर दें तो फिर आप 10-10 रिपीटेशंस के 3 sets में इन एक्सरसाइजेस को कीजिए। ये ई वर्जन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, मीन्स बाहर की मसल्स को, इस तरफ की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब आप इसका दूसरा तरीका इस तरह से कर सकते हैं, इस लूप को आप बड़ा बना सकते हैं, या फिर आप इस तरह से जो बचा हुआ हिस्सा था उसको आप इस तरह से थोड़ा सा बड़ा लूप बना सकते हैं। दोनों पैरों के इस वाले हिस्से पे इसको प्लेस करेंगे। हेल्दी साइड है उसको आपने स्टेबल करना है, और जो अफेक्टेड साइड है मीन्स जिसके आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं उसको आप इसी तरह से बाहर की तरफ लेकर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड इट फॉर 10 seconds। इसके लिए आपको नी बिल्कुल सीधा रखना है, इस तरह से मोड़कर आप इसकी एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे। अदरवाइज अगर आपके लिगामेंट्स अभी भी लैक्स होंगे नी के तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लिगामेंट पुल हो सकते हैं, इसलिए नी को स्टेबल करें। मैंने हाइपर एक्सटेंशन को भी अवॉइड करने के लिए इस रोल का यूज किया था ताकि नी बहुत ज्यादा नीचे भी ना जाए, अगर हाइपर एक्सटेंशन नी में है तो। अगर दूसरी साइड भी अफेक्टेड है या आप दोनों साइड की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो इसी तरह से आप दोनों पंजों को भी बाहर की तरफ इस तरह से पुल करें और 10 seconds के लिए होल्ड करें, फिर अपना न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाएं। 10-10 रिपीटेशंस के 3 sets तक आपको पहुंचना है, और अगर आप इससे ज्यादा होल्ड कर सकते हैं तो आप इन मूवमेंट्स को 20 seconds तक भी होल्ड कर सकते हैं। बार बार अपनी ट्विस्टिंग को अवॉइड करना चाहते हैं तो इन एक्सरसाइजेस की हेल्प लीजिए, इन एक्सरसाइजेस को आप अच्छे तरीके से कीजिए। पैरालाइज्ड पेशेंट के लिए हमने बताया था कि पैरालाइज्ड पेशेंट का फुट ड्रॉप होने लगता है, मींस पंजा नीचे की तरफ गिरने लगता है। पंजा नीचे की तरफ गिरने का कारण है कि पेशेंट की जो तलवे वाली मसल्स हैं वो टाइट होती हैं, वो उनको ऊपर की तरफ आने नहीं देती स्पास्टिसिटी की वजह से, टाइटनेस की वजह से, और जो ऊपर वाली मसल्स होती हैं ये वीक होती हैं। तो इसके लिए एक्सरसाइज हैं डोर्सी फ्लेक्शन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। ये डोर्सम ऑफ द फुट है तो पंजे का ऊपर की तरफ आना, इस तरह से अंदर की तरफ की मूवमेंट होना। थेरा बैंड का जो लूप हमने बनाया था उसको इस तरह से हम पैर के ऊपर प्लेस करेंगे, और इस तरह से थेरा बैंड के दूसरे हिस्से को हम किसी जगह पे बांध देंगे। मैक्सिमम खींचने के बाद हम इस पोजीशन को 10 seconds तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन गो डाउन। इसी तरह से आपने 10 times इनिशियली इन एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करना है। उसके बाद 10-10 के 3 sets पे आप आ सकते हैं, और उसके साथ आप और ज्यादा स्ट्रेंथ गेन करने के लिए 10 की बजाय 20 seconds और 30 seconds आप इन मूवमेंट्स को होल्ड कर सकते हैं। रिपीटेशंस बढ़ाने की बजाय आप होल्ड बढ़ाइए, मींस उसको लंबे टाइम तक खींच कर रखिए तो आपको ज्यादा स्ट्रेंथ गेन होगी। फ्रेंड्स, ये थी हमारी थेरा बैंड को यूज करके कुछ एंकल की एक्सरसाइजेस। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।